डंबल कंसंट्रेशन कर्व बाइसेप मसल को आइसोलेट और बाइसेप की पीक को तेजी से डेवलप करने के लिए कंसंट्रेशन कर्व काफी अच्छी एक्सरसाइज है। बैठकर एक हाथ से परफॉर्म करने से आपका माइंड और मसल कनेक्शन काफी अच्छी तरह से बना रहता है। सबसे पहले एक हाथ में लाइटवेट डंबल को लेकर वीडियो में दिखाए मुताबिक बेंच पर बैठ जाए और जिस हाथ में आपने डंबल को लिया है उसी हाथ की कोनी को इनर थाई पर रखते हुए इस एक्सरसाइज की शुरुआत करें। धीरे धीरे डंबल को शोल्डर की ओर ऊपर लाकर कर्ल करें, बाइसेप मसल को स्क्वीज करें और स्पीड पर कंट्रोल करते हुए डंबल को नीचे की ओर लेकर आए। सही फॉर्म के साथ इसे दूसरे हाथ से भी करना है। इसके आप 3 सेट और दोनों हाथों से 10 से 15 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करें। बारबेल कर्ल यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिससे बाइसेप्स, ब्रैकियलिस और ब्रैकियोडियलिस मसल टारगेट होता है और फोरआर्म्स मसल को भी इंगेज करता है जिससे हाथों की ग्रिप की ताकत काफी बढ़ जाती है और आप आसानी से हैवी वेट उठा पाते हैं। ओलंपिक बारबेल या फिर मीडियम साइज के बारबेल को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर अंडर हैंड ग्रिप के साथ पकड़ कर खड़े हो जाए। बिना बॉडी को झटका मारे कंट्रोल फॉर्म के साथ बारबेल को चेस्ट तक ऊपर की ओर उठाकर बाइसेप मसल को स्क्वीज करें और फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी कोनी को बॉडी के क्लोज रखे और लाइट वेट के साथ इसकी शुरुआत करें। इसके आप 4 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। इंक्लाइन डंबल कर्ल इंक्लाइन बेंच पर परफॉर्म करने से इससे बाइसेप्स का लॉन्गेड मसल टारगेट होता है और राउंडेड बाइसेप को डेवलप करने के लिए काफी हेल्प करता है। सबसे पहले इंक्लाइन बेंच पर बैक के सपोर्ट से बैठ जाए और हाथों को नीचे की ओर सीधा लटकाते हुए डंबल को पकड़ ले। अपर आर्म्स को स्टेबल और बाइसेप मसल पर फोकस करते हुए धीरे धीरे डंबल को शोल्डर की ओर लाकर कर्ल करें और स्पीड पर कंट्रोल करते हुए डंबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप बाइसेप मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर पाते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पर स्टैंडिंग डंबल कर्ल एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। वन आर्म डंबल प्रीचर कर्ल बिना किसी चीटिंग के बाइसेप मसल को तेजी से आइसोलेट बनाने के लिए प्रीचर कर्ल काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसे आप डंबल या फिर इजी बार के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीचर बेंच का यूज करने से आपकी पूरी बॉडी लॉक हो जाती है, सिर्फ आपका बाइसेप मसल ही वर्क होता है। सबसे पहले एक हाथ के अपर आर्म्स को प्रीचर कर्ल के पैड पर टिका कर उसी हाथ में डंबल को पकड़ ले। जब भी आप डंबल को शोल्डर की ओर ऊपर लेकर आए तो बाइसेप मसल को स्क्वीज करें। रिपीटेशन को पूरा करने के लिए अपर आर्म्स को बेंच पर स्टेबल रखते हुए धीरे धीरे डंबल को नीचे की ओर लाकर बाइसेप मसल को स्ट्रेच करें। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप स्पीड पर कंट्रोल बनाए रख के इसी फॉर्म के साथ इसे दूसरे हाथ से भी करना है। इसके आप 3 सेट और दोनों हाथों से 10 से 15 रिपीटेशन करें। क्रॉस बॉडी डंबल हैमर कर्ल इस वेरिएशन से ब्रैकियलिस और ब्रैकियोडियलिस मसल टारगेट होता है, साथ ही में फोरआर्म्स और आर्म्स मसल को मजबूत बनाता है। सबसे पहले अपने साइड में दोनों हाथों से डंबल को न्यूट्रल ग्रिप के साथ पकड़ ले और डंबल को आप अल्टरनेटिंग हैंड से क्रॉस बॉडी से कर्ल करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया है। यानी कि आपको राइट हैंड डंबल को लेफ्ट साइड की शोल्डर की ओर कर्ल करना है और उसी तरह लेफ्ट साइड के डंबल को राइट साइड की शोल्डर की ओर कर्ल करना है। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप बाइसेप मसल पर फोकस बनाए रख के और कंट्रोल स्पीड के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इससे बाइसेप मसल काफी तेजी से चौड़ा बनता है और हाथों की पकड़ को काफी मजबूत बनाता है। इसके आप 4 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें।